गुलहरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राकेश यादव की संपत्ति कुर्क की, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राकेश यादव पुत्र पारस यादव निवासी झुगिया बाजार थाना गुलहरिया गोरखपुर की संपत्ति जब्त करने हेतु गुलहरिया पुलिस को निर्देशित किया गया था। राकेश यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी झुगिया थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर व अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र ब्रजनाथ यादव तथा अशोक यादव पुत्र भरत यादव की संपत्ति को 22 जून 2022 को कुर्क कर दी गई थी तथा कुर्कशुदा संपत्ति को तहसीलदार सदर को कब्जे में लेने के लिए आदेश पारित किया गया था, जिसके आदेश के बाद तहसीलदार सदर द्वारा अभियुक्तों के मकान व मकान के अंदर के सामान तथा एक वाहन ऑटो रिक्शा को दिनांक 26 जून 2021 को कब्जे में लेकर जब्त किया गया था, जबकि शेष 10 वाहनों के जब्तीकरण की कार्यवाही किया जाना शेष रह गया था, जिसका आदेश जारी हुए एक साल हो गया। 18 अगस्त सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा प्रशाली गंगवार व निरीक्षक गुलहरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे सहित पुलिस बल की उपस्थिति में गैंग लीडर राकेश यादव के गैंग के सक्रिय सदस्य अशोक यादव की 5 अवैध वाहन को तहसीलदार सदर के द्वारा जब्त कर थाना गुलहरिया में दाखिल किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए से अधिक की है। उन्होंने बताया कि राकेश यादव के विरुद्ध कई दर्जन मुकदमा पंजीकृत है, जो कि शातिर किस्म का हिस्ट्री सीटर व टॉप 10 का अपराधी है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद एक फॉर्च्यूनर, 2 मोटरसाइकिल, 1 जेसीबी, 1 अशोक लेलैंड ट्रक को सीज किया गया है। संपत्ति जब्त करने वाली टीम में सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह, सीओ चौरी चौरा प्रशाली गंगवार, गुलहरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कंट्रोल गुणोत्तर आइए अच्छे से। दिनांक 18/8/2022 को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माफिया राकेश यादव व उसके गैंग के विरुद्ध 14-1 के कार्रवाई करते हुए थाना गुलहरिया द्वारा क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा तथा तहसीलदार सदर की उपस्थिति में 5 गाड़ियों का जब्तीकरण किया गया है, जिसमें से 1 जेसीबी लोडर, 1 अशोक लेलैंड ट्रक, 2 मोटरसाइकिल व 1 फॉर्चूनर गाड़ी शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत 65 लाख की है। अपराधी अत्यंत सक्रिय है तथा इसके विरुद्ध लगभग 40 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य जब्तीकरण की कार्रवाई भी प्रचलित है और शीघ्र ही अन्य संपत्तियों की तलाश कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।